उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ है। सीधा ले चलता हूँ आपको उनके पास। आज अटल जी की पहली पुण्यतिथि है, आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, स्वर्गीय अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे और पूरे विश्व के जो है एक कद्दावर नेता थे। और उत्तराखंड देने में सबसे अगर किसी को श्रेय जाता है तो स्वर्गीय अटल जी को जाता है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि थी, हमारी सरकार ने और पूरे उत्तराखंड की जनता ने आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और आज पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने कल जो कहा है कि भाई हमको पॉलीथीन मुक्त करना है, उसके लिए भी हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है। और आज मैं चाहता हूँ कि अटल जी के नाम पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से दो तीन योजनाएं शुरू की हैं और उन योजनाओं को भी हम गांव-गांव तक पहुंचाने का जो है आज दृढ़ संकल्प हम लोगों ने लिया है। सर देखा गया है जब मानसून आता है तो कहीं ना कहीं पर उत्तराखंड वासियों के दिल में दहशत कर जाता है, प्रदेश के साथ साथ देश भर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? देखिए, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो है आपदा जब भी आती है तो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कत होती है। लेकिन हम सारे जिलाधिकारियों को हमने निर्देश दे रखे हैं कि कहीं भी अगर आपदा आती है, सड़क जो है ख़राब होती है, तो उसके लिए पैसे भी हम सरकार की तरफ से गए हैं। और त्वरित जो है हम चाहते हैं कि सड़क भी ठीक हो जाए, कहीं आपदा आती है तो वहाँ हमारे उप जिलाधिकारी हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं और मुख्यमंत्री जी और मंत्री लोग भी जो है वहाँ जाने का भरसक सब जगह प्रयास कर रहे हैं। कल मैं खुद ही जो है उत्तरकाशी के दौरे पे था, फिर टिहरी के दौरे पे था, तो जहाँ जहाँ आपदा आ रही है हम स्वयं भी वहाँ का दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई सरकार हमारे साथ में नहीं। सर एक महत्वपूर्ण सवाल विभाग से जुड़ा हुआ लेना चाह रहा हूँ मैं। विभागों में जो स्कूल है, इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी जो है प्रदेश में दिख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब तक ये कमी पूरी हो पाएगी? देखिए, जो इंटरमीडिएट में लेक्चरर्स की कमी है, अभी 125-125 लेक्चरर लोक सेवा आयोग से आ चुके हैं और सरकार ने उन सबको दूरस्थ क्षेत्रों में भेजने का निर्णय किया है। फिर हमने अध्याचन और भेजा है लोक सेवा आयोग को, जैसे जैसे लोक सेवा से हमारे लेक्चरर आ जाएंगे वैसे वैसे हम सब जगह भेज देंगे। लेकिन LT में कहीं भी टीचरों की कमी अब नहीं है, क्योंकि हमने प्रमोशन भी किए हैं और LT में कहीं भी टीचरों की कोई दिक्कत अब नहीं है। सर एक बदलाव और हुआ है सरकारी विद्यालयों में, NCERT की किताबें अब गई हैं, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा बच्चों में, जिन बच्चों को अभाव रहता था इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ने का, अब इंग्लिश मीडियम भी सरकारी स्कूलों में पढ़ी जा सकती है? देखिए, हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है कि हमने गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि NCERT की किताबें लगाई हैं। और कल ही हमने एक और बड़ा निर्णय किया है कि 2022 तक हमारा चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, हम 5 चीज़ें प्रत्येक स्कूल में देंगे। एक तो बिल्डिंग देंगे, वहाँ टीचर 100% देंगे, प्रत्येक स्कूल में शौचालय बनाएंगे, प्रत्येक स्कूल में फर्नीचर देंगे, प्रत्येक स्कूल में जो है ई लाइब्रेरी देंगे और प्रत्येक स्कूल में प्रैक्टिकल का जो लैब है वो पूरा दिया जाएगा। और 2022 तक हमने निर्णय लिया है कि हम प्रत्येक स्कूल को जो है एक स्मार्ट स्कूल के रूप में बनाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये सुना आपने मंत्री धन सिंह रावत को, हायर एजुकेशन मिनिस्टर उत्तराखंड सरकार को। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ मैं अरशद खान, लाइव उत्तराखंड, देहरादून। लाइव उत्तराखंड अब न सिर्फ जनता का बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को कराता आया है आपसे रूबरू। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने लाइव उत्तराखंड का किया धन्यवाद। प्रदर्शन पड़ताल के बाद अब आप प्रदेश उत्तराखंड के हर विभाग से जुड़ी खबरों को देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइव उत्तराखंड पर। प्रदर्शन पड़ताल के बाद अब आप प्रदेश उत्तराखंड के हर विभाग से जुड़ी खबरों को देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइव उत्तराखंड पर। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।